नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार और शराब के साथ दो अपराधी गिरफ्तार। टाउन हॉल में फरोगे उर्दू सेमिनार का हुआ आयोजन। डीएम प्रणव कुमार ने कहा, भागलपुर में खुलेगा उर्दू ट्रेनिंग सेंटर। भागलपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को दबोचा, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से विरासत जागरूकता सप्ताह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं को विरासत के प्रति किया गया जागरूक। और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग पर महिलाओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी। और अब खबरें विस्तार से। नवगछिया पुलिस ने बिहपुर के गौरीपुर गांव में छापेमारी कर अवैध हथियार और भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो अपराधी को दबोच लिया। अपराधियों की पहचान गौरीपुर निवासी मदन झा एवं माधव झा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से एक बंदूक, एक देशी कट्टा, गोली, मोबाइल, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक वेलेरो गाड़ी भी बरामद किया है। मंगलवार को नवगछिया SDPO परवेंद्र भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से मामले की जानकारी दी। SDPO ने कहा कि SP निधि रानी को अवैध हथियार एवं शराब कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद बिहपुर इंस्पेक्टर नर्मदेश्वर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दोनों अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। SDPO ने कहा कि दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये दिनांक 27/1/2020 को पुलिस अधीक्षक गुप्त सूचना मिली थी कि गौरीपुर गांव में कुछ अवैध शराब रखा गया है। मदन झा और माधव कुमार झा के यहाँ मदन झा माधव कुमार झा दोनों भाई हैं। इस आलोक में पुलिस निरीक्षक बिहपुर नर्मदेश्वर सिंह चौहान के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल में बिहपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार एवं ठंडापुर ओपी प्रभारी पंकज कुमार तथा बल थे। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किया गया। छापामारी किया गया तो उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के यहाँ से एक बोलेरो गाड़ी जब्त की गई, शराब बरामद हुआ है तथा एक पिस्टल, 4 गोली एवं एक गन बरामद हुआ है। उर्दू निदेशालय के निर्देश पर भागलपुर जिला उर्दू भाषा कोषांग की ओर से मंगलवार को फरोगे उर्दू सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, DDC सुनील कुमार, BN मंडल, प्रतिकुलपति प्रोफेसर फारूक अली, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, वरीय उप समाहर्ता गुलाम हुसैन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राहुल कुमार समेत कई अधिकारी और उर्दू भाषा से जुड़े लोग ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार उर्दू को बढ़ावा देने के लिए कई योजना चला रही है और उर्दू को विकसित करना सभी की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जल्द ही भागलपुर जिला में उर्दू ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की जाएगी। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी के सचिव मोहम्मद अब्दुल रज्जाक ने उर्दू को धर्म पर आधारित भाषा के नज़रिए से नहीं देखने की बात कही। कार्यक्रम में डॉक्टर शाहिद रजा जमाल और हबीब मुर्शिद खान ने उर्दू के इतिहास और वर्तमान परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा की। मौके पर कई साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद और प्रशासनिक अधिकारियों ने उर्दू को हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति के लिए फायदेमंद बताया। इस दौरान काफी संख्या में टाउन हॉल परिसर में लोगों की मौजूदगी रही। राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर फरोग एक उर्दू सेमिनार का आयोजन और साथ साथ मुशायरा का भी आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें न सिर्फ उर्दू भाषी बल्कि साथ साथ बड़ी संख्या में गैर उर्दू भाषी श्रोता भी शामिल होते रहे। और यह दिखाता है कि हमारी जो संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति जो है वह कितनी बेहतरी के साथ प्रदर्शित होता है। आप जैसा भी जानते हैं, बिहार राज्य भाषा संशोधन अधिनियम 1981 के जरिए 17 अप्रैल 1981 को उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान करार पाई थी। इस पर अमल दरामद के लिए महकमा राजभाषा में एक उर्दू शोभा बनाया गया और हर एक ब्लॉक, अनुमंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तर्जमा इकाई कायम की गई। आज के प्रोग्राम का
खास उद्देश्य है कि आम हिंदुस्तानियों के बीच, आम लोगों के बीच उर्दू जबान का की तौसी और तरक्की कैसे हो, उसके लिए बिहार सरकार के उर्दू डायरेक्टरेट के तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें दो मरहले में इस प्रोग्राम को तकसीम किया गया है, जिसमें पहला मरहला है जिस प्रोग्राम का उद्घाटन और ये कुछ मेहमान खसूसी हैं जो उर्दू के संबंध में अपनी बात रखेंगे। ये उर्दू डायरेक्टरेट और उर्दू भाषा कोषांग यानी उर्दू जबान सेल के तहत ये सेमिनार और मुशायरा है, और इसमें बच्चों की तख्लीकी सलाहियत और तकरीरी सलाहियत को बरूए कार लाना है, सामने लाना है, और इसी के लिए उर्दू डायरेक्टरेट और उर्दू भाषा कोषांग ने ऐसा सेमिनार हर साल मुनक़िद करने का इरादा किया है, ताकि बच्चों को उर्दू के तई रगबत पैदा की जाए, बच्चों में एक कशिश पैदा की जाए। कि भागलपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 6 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। मंगलवार को सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने पकड़े गए बाइक चोर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि 27 जनवरी को बब्बरगंज थाना क्षेत्र के शैलबाग कॉलोनी में अज्ञात चोरों द्वारा बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद चोरों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी आशीष भारती ने सिटी डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। डीएसपी ने कहा कि टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोर विक्की को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर सुमित कुमार, दिलीप दास, राहुल कुमार, कैलाश दास एवं करण दास को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दबोच लिया। डीएसपी ने कहा कि पकड़े गए चोरों ने 1 जनवरी को महेशपुर के समीप खाली पड़े मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 27/1/2020 को शैलबाग मोहल्ला है, उसके शैलबाग कॉलोनी के वीरेंद्र कुमार आनंद ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी करिश्मा मोटरसाइकिल जिसका नंबर BR10R7635 चोरी हो गई है सामने अज्ञात चोर के द्वारा। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर बब्बरगंज थानाध्यक्ष के द्वारा विक्की कुमार को उठाया गया, और विक्की कुमार ने अपने नाम साथियों का नाम बताया, सुमित कुमार, दिलीप दास, राहुल कुमार, और इन तीनों को गिरफ्तार किया टीम ने, और इनके निशानदेही के आधार पर, स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर बांका जिला के जगतपुर ग्राम से कैलाश दास और करण दास को चोरी गए करिश्मा मोटरसाइकिल BR10R7635 को बरामद किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से विरासत जागरूकता सप्ताह का आयोजन 24 जनवरी से किया जा रहा है। भागलपुर संग्रहालय में मंगलवार को स्कूली छात्र छात्राओं के बीच दहेज प्रथा एक सामाजिक कटुता विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। संग्रहालय के अध्यक्ष डॉ. सुधीर कुमार यादव ने कहा कि आम जनों के बीच कला संस्कृति के प्रति रुचि बढ़े, इसी उद्देश्य से एक सप्ताह के भीतर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुधीर कुमार ने कहा कि बुधवार को नशा मुक्त बिहार पर प्रतियोगिता होगी और 31 जनवरी को सभी प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। भागलपुर संग्रहालय में विरासत जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 24 जनवरी से 31 जनवरी तक ये लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम लोगों ने कई थीम पे जो हमारा बिहार सरकार की जो अभी अभियान चल रहा है, खास करके हमने लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया है भागलपुर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के बीच। इसमें है पहला हमारा टॉपिक जल जीवन हरियाली, पर्यावरण संरक्षण से आएगी खुशहाली। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले भागलपुर के कबीरपुर में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरना पर बैठे लोग नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने और NPR एवं NRC को लागू नहीं करने की मांग पर अड़े हैं। पिछले दिनों भागलपुर के शाहजंगी मैदान में आम सभा आयोजित कर CAA का विरोध किया गया था। पिछले कई दिनों से NPR और NRC के खिलाफ रैली निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़क पर विभिन्न तरीकों से NPR के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को कबीरपुर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे लोगों से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनाम उद्दीन ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के कबीरपुरी इलाका में। भागलपुर में पिछले 10 दिनों से ये महिलाएं धरना दे रही हैं। आखिर उनकी मांग क्या है, विरोध करने का कारण क्या है? हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं, कुछ छात्राएं भी हैं कि आप बताइए आखिर आप विरोध क्यों कर रही हैं? और विरोध और ये पिछले 10 दिनों से चल रहा मुसलसल, और सिर्फ यहाँ नहीं बाकी भी कई जगहों में चल रहा। मैं बस दो लाइन बोलना चाहूँगी, वह रोटी चुरा के चोर हो गया, लोग मुल खा गए कानून लिख। और माशाल्लाह से हमारी हुकूमत झूठ बहुत अच्छा बोल रही है, और हर बात को दुदलाना धमकाना ये सब इनकी हुकूमत झूठ बोलती है। साफ आरोप है हुकूमत झूठ बोलती है। दूसरी छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि ये जो काला कानून है, जो हमारे संविधान के खिलाफ कानून है, उसे वापस लिया जाए। हमारा मुल्क धर्म निरपेक्ष राज्य देश है हमारा, लेकिन ये लोग एक जात धर्म के आधार पर, हमारे संविधान में हमारे आइन में साफ लिखा हुआ है किसी भी जाति भाषा धर्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन ये साफ तौर पर भेदभाव है। लोग चाहते हैं नया कानून, जो नागरिकता संशोधन कानून आया है, उसको केंद्र सरकार वापस ले। और महिलाएं उनसे जानते हैं कि आप बताइए आप क्या उद्देश्य है इस धरने का? इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें एकता में रहना है, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कभी नहीं करना चाहिए। और ये इंडिया इसी चीज़ के लिए जाना भी जाता है कि हमारा मुल्क एक है, तो फिर बाकी लोगों के लिए सब ठीक है, लागू होगा ये NRC या CA, और मुस्लिम को छोड़ दीजिए। सिर्फ एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है आखिर, क्यों इस बात के? लोगों का कहना है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है इस कानून के तहत। महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आप बताइए जो इस धरना 10 दिनों से धरना चल रहा है, क्या है, मतलब क्या है? देखिए शाहीन बाग में तो 45 दिन से धरना चल रहा है, और सरकार इस देश में आर्थिक मंदी जो 45 सालों में सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, और इसी CAA NRC NPR ले आ करके अभी एयर इंडिया को पूरी तरह से बेच दिया गया, रेल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सारे उद्योग धंधों को ख़त्म किया जा रहा है। तो एक तरफ देश को ये सरकार ऐसी है कि जनता सरकार को इसके पहले घेरा करती थी अपने मुद्दों को लेकर के, लेकिन एक ऐसी सरकार जन विरोधी आई है इसने जनता को घेर दिया है। जनता का कहना है कि वो NRC को जो है तो किसी भी कीमत में लागू देश में नहीं होने देगी। आप हमारे साथ देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आप दिखाएं कि किस तरीके से भागलपुर में महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना पर बैठी हुई हैं। पिछले 10 दिनों से ये महिलाएं धरना दे रही हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि आप बताइए आप बच्चों को लेकर के यहाँ धरना पर बैठी हुई आखिर क्या मकसद है? ये CAA और NPR को वापस किया गया, CAA को वापस दिया गया, CAA देश में आया हुआ है, CAA जो कानून बना है उसको हमारे देश से वापस लिया गया, इसके हित में अच्छा रहेगा। देश से कानून को वापस लिया जाए, जो नया कानून बना है उसको वापस लिया जाए। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति की ओर से यहाँ लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आप बताइए आप क्या बदलाव चाहते हैं? ये जो सबसे पहले बदलाव है देश का होना चाहिए, कि संविधान से छेड़छाड़ हुई है, इसके कारण कि आज देश में चारों तरफ टेंशन का माहौल है, चारों तरफ लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। संविधान के बारे में भारतवासियों को कि रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम, क्यों भागे यहाँ से मुसलमान? जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग विधाता, भाई हमने क्या किया कि दलित मुसलमान को ही सताता? संविधान भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा है, हम लोग उस पर चलेंगे, हम तो आज़ाद हैं ही, हमें गुलाम बनाने के लिए तैयार कौन है? मैं आज़ाद हूँ,
आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। दोबारा कोई मुगल, कोई अंग्रेज नहीं आ सकता है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इस कानून को हर हाल में सरकार को वापस लेना होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां, कुछ ऐसा ही भागलपुर के लाल सौरभ कुमार ने किया है। मिस्टर एशिया इंटरनेशनल 2019 अवार्ड जीतकर सौरभ ने यह चरितार्थ कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। सौरभ कुमार आदमपुर रेड क्रॉस रोड निवासी अशोक ठाकुर का पुत्र है और सौरभ के पहले प्रयास में खिताब जीतने पर मां रूपा ठाकुर काफ़ी खुश हैं। तो वहीं डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सौरभ के माता पिता को बधाई दी, साथ ही मिस एशिया इंटरनेशनल अवार्ड जीतने पर सौरभ को शुभकामनाएँ दी। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना मुझे उम्मीद भी नहीं था कि वो पूरे इंडिया में 200 स्टूडेंट में, जिसमें कि 100 लड़कियां थी, 100 लड़के थे, उसमें एक लड़के को मिस्टर एशिया ग्लैमर अवार्ड मिला। हमको ही नहीं, पूरे मतलब हमारे परिवार में, सबको, समाज में सबको खुशी है और हमको उम्मीद है कि आगे भी चल के ये बहुत अच्छा करेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। उसका 18 से ही और 21 तक उसका प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें 21 को उसका फाइनल हुआ। उसमें उसने ग्लैमर 2019 का मिस्टर एशिया का किताब जीता। मैं उन्हीं के पिता के मकान में रेंट में था और उसके बाद हम लोगों में, उनके पिता में, हमारे में दोस्ती जैसा हो गया। हम लोग लगभग डेली 1 घंटे के लिए बैठते हैं और मैं बचपन से उसे देख रहा हूँ। यद्यपि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा संस्कारी था। और सबसे ज़रूरी होता है कि यदि पढ़ाई नहीं भी करे तो उसका संस्कार खत्म नहीं हो, उसका ध्यान नहीं भटके। अनुशासित था और यही अनुशासन उसको यहाँ तक ले आया। भागलपुर नाथनगर नूरपुर हरिजन टोला स्थित हरिजन मध्य विद्यालय में राष्ट्रीय बालिका सप्ताह को लेकर संकल्प ज्योति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड सदस्य लक्ष्मी देवी ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि रवि प्रकाश एवं नीलम गांधी ने विद्यालय की बच्चियों को मुख्यमंत्री द्वारा बालिकाओं के हित में चलाए जा रहे कन्या उत्थान योजना, कन्या विवाह योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। मौके पर प्रियंका कुमारी, अंजनी कुमारी, चांदनी सहित काफ़ी संख्या में छात्राएँ मौजूद थीं। मध्य विद्यालय नूरपुर हरिजन स्कूल में राष्ट्रीय बालिका योजना के तहत 24 से 30 जनवरी को बालिका सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके तहत जो है वार्ड सदस्य लक्ष्मी देवी जी जो है नेतृत्व में बच्चों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना आदि योजनाओं को बताया जा रहा है। भागलपुर मौलाना चक स्थित खानका शहबाजिया में सोमवार को नौवां उर्से पाक धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम का आयोजन खानकाह के 15वें सज्जादा नशी हजरत मौलाना सैयद शाह इश्तियाक आलम शाहवाजी की याद में किया गया। इस दौरान सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इत्तेखाव आलम अंसारी की अध्यक्षता में जलसा का भी आयोजन किया गया। वहीं देर रात सज्जादा नशी ने दरगाह शरीफ पर चादर पोसी कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। मौके पर मौलाना फारूक आलम अशरफी समेत कई उलेमान खानकाह परिवार से जुड़े लोग मौजूद थे। मौके पर मौलाना फारूक आलम अशरफी समेत कई उलेमा खानकाह परिवार से जुड़े लोग मौजूद थे। कहलगांव के सनहौला स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम चमखजा में मंगलवार को दो दिवसीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल का उद्घाटन मोहम्मद मुस्तकीम आलम, नजरुद्दीन मोहम्मद सत्तार, ज्योतिषी शाह सहित कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में 18 पहलवानों ने अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया और एक से बढ़कर एक दांव पेंच दिखाए। मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तकीम ने कहा कि खेल से आपसी भाईचारा एवं सद्भाव कायम रहता है। वहीं बुधवार को दंगल का फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें बिहार झारखंड के अलावा कई राज्यों के पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। कहलगांव सनहौला प्रखंड के रविडीहा गांव में सुखराज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सोमवार को माधवपुर बथानी एवं चायटोला कैतपुरा के बीच खेला गया। चायटोला कैतपुरा के कप्तान दीपक ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग करने उतरी माधवपुर बथानी की टीम ने 16 ओवर में 216 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चायटोला कैतपुरा की टीम निर्धारित 16 ओवर में 101 रन वही बना पाई। इस तरह माधवपुर बथानी की टीम ने शानदार जीत हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले फाइक को मैन ऑफ द मैच और मूसी को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। विजेता टीम को कहलगांव के समाजसेवी पवन यादव ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मैच में अंपायर की भूमिका संतोष कुमार एवं राजीव कुमार ने निभाई, जबकि इससे पूर्व मैच का उद्घाटन अमडंडा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, मोहम्मद सज्जाद, गोपाल मंडल एवं रूपेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार और शराब के साथ दो अपराधी गिरफ्तार। टाउन हॉल में फरोगे उर्दू सेमिनार का हुआ आयोजन, डीएम प्रणव कुमार ने कहा भागलपुर में खुलेगा उर्दू ट्रेनिंग सेंटर। भागलपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 शातिर सदस्यों को दबोचा, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से विरासत जागरूकता सप्ताह का हुआ आयोजन, छात्र छात्राओं को विरासत के प्रति किया गया जागरूक। और नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग पर महिलाओं का अनिश्चितकालीन धरना जारी। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।